वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। माय नेम इज़ हमजा हसैनी। इन द प्रीवियस लेक्चर मिस हसीना नास डिस्कस्ड विद यू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल। लेट्स रिकॉल व्हाट इज लीच एटलियर्स प्रिंसिपल। द स्टेटमेंट ऑफ लीच एटलियर प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इट टेंड्स टू रेजिस्ट द स्ट्रेस इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम बैक। यानी कि इफ़ अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, उसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, अगर हम उसके ऊपर स्ट्रेस को अप्लाई करें तो वो उसको ओपोज करेगा, यानी वो रिएक्शन उसको, वो सिस्टम उस स्ट्रेस को, चेंज को ओपोज करेगा। अब स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है कोई भी चेंज, ठीक है। स्ट्रेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, टेम्परेचर चेंज, कंसनट्रेशन चेंज, प्रेशर चेंज। यानी कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें आप टेम्परेचर को चेंज कर दें या कंसंट्रेशन को चेंज कर दें या फिर प्रेशर को चेंज कर दें तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करेगा, वो सिस्टम उस चेंज को रेजिस्ट करेगा और कोशिश करेगा कि दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव हो सके। दिस इज़ लीच एटलियर प्रिंसिपल विच मिस हसीना हैज़ टॉट यू बिफोर। व्हाट वी हैव टू लुक एट, यू हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट चेंज इन कंसंट्रेशन। So we are going to look at the temperature change right now. Temperature change किस तरीके से affect करता है किसी भी system को जो कि equilibrium में हो। अगर कोई system equilibrium में हो और हम उसके temperature को change कर दें तो क्या effect आता है और equilibrium किस direction में shift होता है। So the first is if we increase the temperature of endothermic reaction. Endothermic reactions क्या होते हैं? ऐसे reactions which need heat energy टू कंटिन्यू, ऐसे रिएक्शन जो कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर दे कंटिन्यू और फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं। सो ऐसे रिएक्शन विच एब्जॉर्ब द हीट, विच एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देन दे प्रोसीड, दे आर एंडोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक के केस में अगर आई इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ़ आई इंक्रीज द टेम्परेचर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो ऑब्वियसली क्या होगा, एंडोथर्मिक को हीट चाहिए, आप उसको और हीट दो, आप उसका टेम्परेचर रेस करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, तो क्या होगा, रिएक्शन और आगे जाएगा, यानी प्रोडक्ट और ज़्यादा बनेगा। सो इन दैट केस क्या होगा, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन इज गोइंग टू शिफ्ट फॉरवर्ड एंड द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट फॉरवर्ड। ओके, इन केस यू हैव एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस इन विच द हीट एनर्जी इवॉल्व्स इज गिवन आउट। ओके, ऐसे रिएक्शन जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट एनर्जी निकलती है, जैसे कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी निकल रही होती है, जब कोई चीज़ जलती है तो हीट एनर्जी निकलती है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकले दैट इज़ एक्सोथर्मिक। सो इन दैट केस इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, द रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। ओके, सो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सो दीज टू कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर। अगर मैं आपको कंडीशन देता हूँ इसके ओपोजिट, ये तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मैं डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन देता हूँ तो इसका ओपोजिट हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन दूंगा तो आप समझ सकते हैं कि ये बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो कंडीशंस चेंज होने पे चीज़ें ओपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, प्रेशर चेंज क्या होता है, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद गैसियस रिएक्टेंट, कोई गैस रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, इन दैट केस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट एंड दे फॉर्म अमोनिया। ओके, सो गैसेस के फेज में जब कोई रिएक्टेंट्स गैसियस फेज में हो और आप उसके प्रेशर को चेंज कर दो तो क्या होता है, तो होता यह है कि जब भी आप इंक्रीज करते हो प्रेशर को तो जहाँ पर फ्यूअर मोल्स होंगे, कम मोल्स होंगे, उस तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स फ्यूअर मोल्स, कम मोल्स की तरफ, जहाँ पे कम मोल्स हैं वहाँ पे रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। और इसी का ऑपोजिट अगर आप डिक्रीज करो प्रेशर को, इफ़ यू डिक्रीज द प्रेशर, तो आपका जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स मोर मोल्स, जहाँ पे ज़्यादा मोल्स होंगे। इसको हम एग्जाम्पल्स में करते हैं, ठीक है। सो पहले हम लेते हैं टेम्परेचर की एग्जांपल। टेम्परेचर की एग्जांपल में हमें पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है दैट शोज यू दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा दैट इज पॉजिटिव साइन का मतलब दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट इन दिस केस दिस इज नेगेटिव सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस
reaction. What is going to happen? If you increase the temperature in case of exothermic, because this is exothermic reaction, अगर आप इसका temperature बढ़ाओगे तो ये reaction किस तरफ जाएगा? Backward जाएगा. तो condition आपको याद रखनी है. Exothermic के केस में if you increase the temperature, the reaction is going to shift backward. तो क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगी? जब ये backward जाएगा तो ये दो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, nitrogen और oxygen gas ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर की एग्जांपल. प्रेशर की एग्जांपल में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दे आर रिएक्टिंग टू फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर के लिए हमें देखना होता है किस तरफ कम मोल्स हैं और किस तरफ ज़्यादा मोल्स हैं. तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे एक मोल ऑक्सीजन का है, मिला के कितने हुए? टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हो गए. और यहाँ पे टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. सो टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, देखना ये होता है किस तरफ ज़्यादा मोल्स हैं और किस तरफ कम मोल्स हैं. अगर मोल्स बराबर हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. इन दिस केस लेट्स सी, यहाँ पे दो मोल्स हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मोल है, कुछ भी नहीं है, तो वन. टू प्लस वन थ्री मोल्स हो गए और यहाँ पे टू मोल्स प्रोडक्ट के. सो यहाँ पे थ्री मोल्स रिएक्टेंट्स, दो मोल्स प्रोडक्ट्स बना रहा है. अगर मैं इसका प्रेशर चेंज कर दूँ, सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर वन एवर वी इंक्रीज द प्रेशर, द रिएक्शन इज़ गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स फ्यूअर मोल्स. यानी ज़्यादा मोल्स से, यानी थ्री मोल्स से टू मोल्स की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, यानी रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा. तो क्या चीज़ ज़्यादा फॉर्म होगी इन केस वी इंक्रीज द प्रेशर? दिस SO3 प्रोडक्शन विल इंक्रीज. ओके, और इसी का ऑपोजिट अगर मैं बोलूँ कि मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ, सो कम से ज़्यादा की तरफ हमारा जो है रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि टू से थ्री मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो इन दैट केस रिएक्टेंट्स क्या होंगे? इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे. तो प्रेशर की कंडीशन क्या है? अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो कम मोल्स की तरफ आपका जो रिएक्शन है वो शिफ्ट होगा, और अगर प्रेशर कम करते हो तो ज़्यादा मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तीसरी चीज़ देखते हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन के केस में क्या होता है? कंसंट्रेशन के केस में आपने पढ़ा है, मिस नाज ने आपको पढ़ाया है कि जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, और जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें तो रिएक्टेंट ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है. तो दोनों ओपोजिट है, यानी कि अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, और रिएक्शन किस तरफ जाएगा? आगे की तरफ. अगर प्रोडक्ट बढ़ाओगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा. Hope these examples are clear to you. We'll meet in the next class. Till then, thank you. Allah Hafiz.